यस, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 439 जमानत, भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 ख एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 एक ख एवं 27 के अधीन अपराध जमानत प्रदान करते समय विचारण आपराधिक षड्यंत्र का क्षेत्र वर्णित किया गया। षड्यंत्र को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही उपलब्ध षड्यंत्र में केवल दो या अधिक का आशय शामिल नहीं, किंतु विधि विरुद्ध साधनों द्वारा विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए दो या अधिक में सहमति, चूंकि सीबीआई द्वारा नए सिरे से अन्वेषण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश हैं, इसलिए यह जमानत पर अपराधी को छोड़ने के लिए समुचित होना चाहिए और अपील में कोई गुणावगुण नहीं। स्टॉप पैरा। जमानत प्रदान करते समय न्यायालय को अभियोगों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, उस दंड की कठोरता जो दोष सिद्धि पर होगा, चरित्र, व्यवहार, साधन और अभियुक्त की स्थिति, परिस्थितियों जो अभियुक्त के लिए विशिष्ट हैं, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने की युक्तियुक्त संभाव्यता, साक्षियों को दूषित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका, सामान्यजन या राज्य के व्यापक हित और सामान अन्य विचारणों को ध्यान में रखना चाहिए। इसे भी ध्यान में रखना चाहिए कि जमानत प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए विधानमंडल ने साक्ष्य के बदले शब्दों विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि न्यायालय जमानत की स्वीकृति पर विचार करते हुए अपना केवल यह समाधान कर सकता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध असली मामला है और कि अभियोजन आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश करने में समर्थ होगा। इस प्रक्रम पर युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने वाले साक्ष्य को धारण करने की प्रत्याशा नहीं की जाती। स्टॉप पैरा। स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परिकल्पित मूल्य है और कोई व्यक्ति चाय के प्याले के लिए इसका विनियम नहीं पसंद करेगा, किंतु न्यायालय की ओर से प्रथम दृष्टया मामले अपराध की विकटता और गंभीरता और अन्य पहलू के अतिरिक्त अभियुक्त को साक्ष्य में दूषित करने के संभाव्यता के संबंध में स्वतंत्रता पर निर्बंधन को कतिपय शर्तों के अधिरोपण पर उठाए जाने के पूर्व संवीक्षा और जांच करना यद्यपि संक्षिप्त ढंग से आवद्ध कर है। स्टॉप पैरा। षड्यंत्र को अपराध बनाने की विधि दृष्टि करने की
जिसे साधनों के संयोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। असंतुलित शक्ति को नियंत्रित करने के लिए परिकल्पित है प्रोत्साहन और समर्थन, जिसे सह षड्यंत्रकारी एक दूसरे को उपक्रम को संभव बनाने के लिए देते हैं, जो यदि व्यक्तिगत प्रयास में छोड़ा जाता है तो असंभव हुआ तो देखने वाले षड्यंत्रकारियों और दुष्प्रेरकों के लिए समुचित दंड के साथ आधार प्रदान करेगा। षड्यंत्र को उसके सभी सदस्यों के संबंध में निरंतर और नवीनकृत होना निर्णित किया गया है। जहां कहीं और जब कभी षड्यंत्र का कोई सदस्य सामान्य परिकल्पना के अग्रसारण में कार्य करता है, धारा 120 खा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन को आवश्यक रूप से यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि कर्ता अभिव्यक्त रूप से अवैध कार्य को करने या कराने के लिए सहमत होते हैं। करार आवश्यक विवक्षा द्वारा साबित किए जा सकते हैं। आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का अपराध कारित करने के लिए करार में उसका आधार है। षड्यंत्र केवल दो या अधिक के आशय से नहीं, बल्कि दो या अधिक के विधि विरुद्ध साधनों द्वारा विधि विरुद्ध कार्य करने के करार से गठित होता है। स्टॉप।